वर्ष की सबसे महान गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी अमूमन गंभीर रहती थीं, लेकिन एक शख्स थे जिनकी उपस्थिति में लता जी बहुत हंसती थी, हंस हंस के लोटपोट हो जाती थी, और ये शख्स थे किशोर कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लता जी और किशोरदा की पहली मुलाकात के बारे में कि कब, कैसे और कहाँ ये मुलाकात हुई और लता जी की क्या प्रतिक्रिया थी उस पर। दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाए। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये बात है 1948 की, जब लता जी एक फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो जाया करती थी और नियमित ट्रेन पकड़ती थी, वो जो ग्रांड रोड स्टेशन है वहाँ से मलाड के लिए। और एक दिन जब उन्होंने ग्रांड रोड से ट्रेन पकड़ी, तब वो जिस कंपार्टमेंट में थी उसी कंपार्टमेंट में किशोर कुमार भी बैठे हुए थे। और जब उन्होंने देखा उन्हें, तब उन्हें कुछ ऐसा लगा कि ये चेहरा कुछ देखा हुआ सा लग रहा है कहीं। बहरहाल वो समझ नहीं पाई कौन है ये। लेकिन जब मलाड ट्रेन पहुंची, तब लता जी स्टेशन पे उतर गईं, किशोर कुमार भी उनके साथ उतर गए। और जब लता जी रोड पर चल रही थी, जब देखती हैं कि वो नवयुवक भी पीछे पीछे आ रहा है, तो वो घबरा गई कुछ कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तब लता जी ने घबराहट में वहाँ से जो घोड़ा गाड़ी होती है वो उसमें बैठ गई वो, और वो क्या देखती हैं कि वो जो नवयुवक है उसने भी घोड़ा गाड़ी में बैठ गया है और पीछे अभी भी आ रहा है। तो लता जी घबराई सी जब बॉम्बे स्टूडियो टॉकीज स्टूडियो पहुंची, तब उन्होंने गेट नॉक किया और अंदर जब एंटर हुई, तब वहाँ पे खेमचंद प्रकाश जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो पहले से मौजूद थे। और उनसे लता जी ने कहा कि अंकल ज़रा देखिए, एक लड़का मेरा स्टेशन से पीछा कर रहा है जहाँ से मैं आ रही हूँ, और मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बड़ी घबराई हुई इनसी थी लता जी। तब खेमचंद प्रकाश जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा तो वो नवयुवक गेट पे ही खड़ा था। तब वो अंदर आया और खेमचंद प्रकाश जी मुस्कुराए और हंस करके बोलते हैं, अरे ये तो अशोक कुमार का छोटा भाई किशोर कुमार है और यही तो आज का डुएट तुम्हारे साथ गाने वाला है। आज जो गीत है आप दोनों की ही जुगलबंदी में है। तो इस प्रकार से दोनों की पहली मुलाकात हुई और लता जी को ऐसा लगा जैसे ये कोई आवारा छोकरा है और मेरा पीछा कर रहा है, जबकि वास्तव में किशोरदा भी बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो आ रहे थे। और एक्चुअली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो किशोरदा के बड़े भाई अशोक कुमार का ही था। फिर दोनों के बीच ये पहली मुलाकात हुई और उनके जीवन का पहला डुएट रिकॉर्ड हुआ फिल्म जिद्दी के लिए 1948 में। इसके बोल थे दोस्तों, ये कौन आया रे 16 सिंगार करके। ये गीत देवानंद साहब और कामिनी कौशल जी पे फिल्माया गया था और ये पहला गीत था लता जी और किशोरदा का। और बाद में दोस्तों किशोरदा और लता जी के बड़े घनिष्ठ संबंध बन गए। दोनों में भाई बहन सा प्रेम था, भाई बहन मानते थे एक दूसरे को। किशोरदा से छोटी थी लता जी 2 साल, किशोरदा अपनी छोटी बहन मानते थे उन्हें, और खूब हंसाया करते थे लता जी को किशोरदा। एक बार तो लता जी ने मना भी कर दिया था कि किशोरदा मैं आपके साथ अब गाना नहीं गाऊंगी, क्योंकि स्टूडियो पहुंचते थे किशोरदा और धमाकेदार एंट्री होती थी और हमेशा सबको हंसाते रहते थे किशोरदा। तो ऐसा ये प्रसंग था दोस्तों। और ये प्रसंग एक राइटर हैं, उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्री बनाई थी नसरीन उन्नी कबीर ने, तब उसमें ये पूरा वाक्या उल्लेखित किया था, मेंशन किया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एपिसोड था दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसे ही एपिसोड्स में लेकर के आपके लिए आता रहूँगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे, और आप लोगों से यही कहूँगा कि हमेशा खुशमिजाज रहें, मस्ती में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों।